आज मैं आपके लिए बीएससी की जो कैलकुलस है उसकी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें कर्व ट्रेसिंग करेंगे, यानी पोलर कर्व को एक ट्रेस करेंगे, जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में बताया था, यानी ट्रेस द कर्व आर बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा वेयर ए इज ग्रेटर देन। ये ध्यान रखना है, यदि ग्रेटर देन दे तब और लेस देन दे तब, दोनों के अलग अलग कर्व होते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको, जिन्होंने इसकी वर्किंग रूल नहीं देखा वो देख जाकर देख ले, क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाए। इसमें सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उसको लिख लीजिए, गिवेन द कर्व ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हमने क्या बताया था, यदि सिंपल सी बात बताई थी, तीन पॉइंट बताए थे कि यदि कॉस थीटा आ जाए कर्व में तो वो क्या इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यदि साइन थीटा आ जाए तो आपका क्या है, यानी साइन थीटा आ जाए तो परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, और यदि आपका स्क्वायर में आ जाए तो वो क्या होता है, पोल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा आ रहा है। तो कॉस थीटा, या आप कह दीजिए कि इफ यदि थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करूंगा देन द गिवन कर्व इज अनचेंज। ठीक है, अनचेंज, जब अनचेंज होगा तो मतलब क्या, सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। कंप्लीट होगी बात, इनिशियल लाइन के क्यों है ये सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पर कर्व में कोई चेंज नहीं होता है, या यूं कहिए क्योंकि इसमें कॉस थीटा आ रहा है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल है आपका इनिशियल लाइन के। ठीक है, अब आपका अगला पॉइंट बनता है आपका पोल चेंज, चेक करेंगे पोल। ठीक है, ये पोल से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो पुट आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो रखने पर यदि कोई भी इसमें थीटा का मान निकल जाता है तो ये पोल से टच करेगा पोल को, नहीं तो ये टच नहीं करेगा। तो ये आर बराबर जीरो मतलब क्या है कि आर की वैल्यू ए प्लस बी कॉस थीटा थी, ये जीरो रखी तो यानी ए इधर चला जाएगा माइनस ए, तो कॉस थीटा बराबर ये, तो थीटा बराबर माइनस कॉस इनवर्स माइनस ए अपॉन बी, यानी थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आ रही है यहाँ पर, क्योंकि ए और बी के तो मान पता ही नहीं है। जब ए और बी के मान नहीं पता है तो लिख दोगे द कर्व डज नॉट पास थ्रू द पोल, यानी कैसे, हेयर द थीटा इज इक्वल टू नो रियल वैल्यू, सो वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। हमने क्या बताया था, यदि आपका ये पास थ्रो नहीं हो रहा है पोल से, तो फिर आपको आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती हैं। वो कैसे निकालोगे, वो ऐसे निकालोगे, एक बार थीटा की, ये कॉस थीटा की माइनस वैल्यू रखोगे, यानी एक बार कॉस थीटा को मिनिमम मानोगे, एक बार मैक्सिमम मानोगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इफ कॉस थीटा बराबर वन, ये समझ में आ रहा पॉइंट, ये पहले तो हम ये देखेंगे आर बराबर जीरो रखने पर कोई थीटा की वैल्यू आ रही है, तो आप देखिए यहाँ पर नहीं आ रही है, तो नहीं आ रही है तो पहले तो लिख दोगे ये चीज़ कि द कर्व डज नॉट पास थ्रो द पोल, फिर उसके बाद में लिखोगे हेयर थीटा इज इक्वल टू नॉट रियल वैल्यू, यानी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, सो वी फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। तो फिर हमें एक्स आर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार कॉस थीटा बराबर वन रखेंगे देन आर बराबर ए प्लस बी, क्यों, क्योंकि कॉस थीटा बराबर वन रख दोगे तो ए प्लस, यानी आर बराबर वैल्यू ये है तो यानी ए प्लस बी आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इफ कॉस थीटा बराबर माइनस वन, माइनस वन रखोगे देन आर बराबर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, क्यों, कॉस थीटा का मान माइनस वन हो जाएगा तो यानी माइनस इसके अंदर आ जाएगा, यानी प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ए माइनस बी, राइट। तो ये पॉइंट स्क्रीनशॉट मान लेना आप, ठीक है, बहुत ही प्यार से एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। कॉस थीटा बराबर वन देन आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ये मैक्सिमम वैल्यू, कॉस थीटा बराबर माइनस वन रखोगे यानी यहाँ पर, यानी कि आर बराबर आपका क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये वाली समीकरण थी, इसलिए हमने आर बराबर यहाँ पे वन रखोगे तो ए प्लस बी आएगा और माइनस वन रखोगे तो ए माइनस बी आएगा, राइट, दोनों समीकरण समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं, हम टेंजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये देखिएगा टेंजेंट, तो टेंजेंट क्या है, फोर आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो के लिए थीटा बराबर नो रियल वैल्यू, आप जानते हो अभी हमने निकाला था, आर बराबर जीरो रखेंगे तो थीटा की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है, सो द कर्व हैव नो टेंजेंट, यानी कि कर्व के पास क्या है, कोई भी टेंजेंट नहीं है। जब नए टेंजेंट नहीं है तो हम टेंजेंट एट अदर पॉइंट फाइंड करेंगे हम लास्ट में, ठीक है, पहले हम एसिम्प्टोट देखेंगे। जो टेंजेंट ही नहीं है तो कोई भी एसिम्प्टोट नहीं है यहाँ पर। एसिम्प्टोट का मतलब क्या बताया था हमने, एसिम्प्टोट का मतलब ये बताया था कि आर, मतलब आर का मान इन्फिनिटी हो जाए, यानी थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू जिस पर इन्फिनिटी हो जाए, तो यानी कि आर बराबर आपका क्या दे रखा है, ए प्लस बी कॉस थीटा दे रखा है, थीटा की मैं कोई भी वैल्यू रख लूँ आर का मान कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इसी से टच है ना, आगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, जो कॉस की जो वैल्यू होती है वो कभी भी इन्फिनिटी नहीं होती है, क्योंकि उसकी वैल्यू -1 से +1 तक लाई करती है, इसीलिए इस पर कोई भी असम्प्टोट नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं, टेबल, और टेबल के लिए हम क्या करते हैं, थीटा बराबर 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, ठीक है। थीटा बराबर 0 रखेंगे, आर की जो आर इसी से मान निकालते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा, जब हम 0 रखेंगे यहाँ पर तो ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। 30 रखेंगे यानी ये तो यही रहेगा, 30 यानी कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो √3/2 बी आ जाएगा। 45 रखेंगे तो 1/√2 बी आ जाएगा, और 60 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 90 रखेंगे तो ए आ जाएगा, क्योंकि 90 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान ये आ जाएगा। फिर 120 का, फिर ये 120 माइनस में है ये, ठीक है ना, माइनस, ठीक है, आप रख लेना ये ए माइनस 1/√2 बी, ए माइनस √3/2 बी, ए माइनस बी, राइट। तो आपका ये टेबल बना लेनी है, समझ में आ गई बात। ये टेबल निकालने के बाद में, फिर इसके बाद में देखो ध्यान से समझना, अब हमारा वही है जो टेंजेंट एट अदर पॉइंट, टेंजेंट एट अदर पॉइंट निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आर बराबर ए प्लस बी, ये कॉस थीटा था, इसका पहले डी आर बट्टे डी कॉस थीटा निकालेंगे, यानी बी, और ये तो ये क्या तो 0 हो जाएगा, बी और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस बी साइन थीटा। टेन फाई बराबर क्या रखते थे हम, टेन फाई बराबर ये फॉर्मूला था कि आर बट्टे डी आर बटे डी थीटा, ठीक है, ये बताया था हमने, ठीक है। आपको नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या रखना होता है, टेन फाई बराबर आर बटे डी आर बटे डी थीटा, इस वाले समीकरण में रखना होता है, ये आर की वैल्यू ये है और ये आ गया डी डी आर बटे डी थीटा, ठीक है। ये एक बार थीटा बराबर 0 रखेंगे, 0 पुट करेंगे तो टेन फाई का मान कितना आएगा, देखिए टेन फाई का मान ए प्लस बी, बी की कॉस्ट 0, बी साइन 0, साइन 0 का मान 0 है, तो 0 की किसी संख्या में भाग करते हैं वो इन्फिनिटी हो जाती है, टेन इन्फिनिटी बराबर टेन फाई बराबर इन्फिनिटी, यानी टेन फाई बराबर ये इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी कब होता है, टेन में टेन 90 का मान इन्फिनिटी होता है, तो यानी कि ऐसे बोल सकते हो टेन फाई बराबर टेन 90, टेन से टेन कट गया तो फाई बराबर 90 से निकल आया। ऐसे ही जब पाई रखोगे तो पाई में कॉस पाई का साइन पाई का मान भी 0 होता है, तो फिर से इन्फिनिटी, यानी कि ये फिर से फाई आ जाएगा, यानी दोनों मान निकल आए। टेन बराबर थीटा पर भी टेंजेंट आ गया, इस पर भी टेंजेंट आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, यही टेंजेंट होते हैं अदर पॉइंट वाले, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। इसका मतलब ये है, फाई का मतलब ये है कि ये इसके टेन बराबर 90 वाली जो लाइन है उसके पैरेलल जाएगी ये लाइन, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि इसमें ये होती है ना, इस तरीके की होती हैं, आपको मैं नॉर्मल बता दूं, एक सेकंड, ये देखिएगा, ठीक है। आप ऐसा समझिएगा कि ये जो लाइन है इस तरीके जो टेंजेंट बनेंगे, तो ये जो टेन थीटा बराबर 90 ये है, तो ये जो फाई बराबर ये जो आया है आपका 90, मतलब ये है कि ये 90 वाली जो लाइन है, जो है जो भी टेंजेंट जो बनेगा वो इसके पैरेलल बनेगा, इसके पैरेलल ऐसे, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल बनेगा, सीधी बात ये है, ठीक है। यदि ये 45 आता तो 45 यहाँ पे होगा, तो नहीं इसके पैरेलल बनता है इस तरीके से, समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है फाई का, ठीक है, और टेन बराबर 0 पर बनेगा, एक फाई पर बनेगा और इसके पैरेलल बनेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम रीजन की, ठीक है। अगला जो पॉइंट आ जाता है आपका रीजन, रीजन क्या होगा, आर ई जी आई ओ एन, ठीक है, रीजन। अब रीजन कैसे बनेगा, रीजन आप जानते हो, कॉस थीटा आया है तो कॉस थीटा का रीजन क्या होता है, ये होता है, आप जानते ही हो, -1 से ये है, तो आपका ये रीजन क्या बनेगा, +1 रखेंगे तो ए प्लस बी आया था, और ये -1 रखा था तो ए माइनस बी आया था। ये कहाँ से लिया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, रीजन के लिए आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख देंगे, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अब आपका ये एक सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चित्र बनाना रह गया, बस चित्र कैसे बनाना है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए एक्चुअली में ये जो चित्र होता है ना, देखो मैं तुम्हें वैसे ही समझा दे रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। आप ऐसा समझिएगा कि ये जो चित्र होता है, मैं आपको पहले वैसे बता दूं तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। कहीं कोई 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 किताब इस तरीके से देती है इस चित्र को, और कोई किताब ने इस तरीके से दे रखा है कि ये तो पूरा का पूरा यहाँ पे ऐसे इस तरीके से दे रखा होता है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा अंदर को लेके नहीं, या फिर से इस तरीके से ये दे रखा होता है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये थोड़ा सा क्यों दाबा है, पता है क्या, क्योंकि इसमें ये जो है ना, आप ऐसा समझिएगा, ए वैल्यू इतनी है,
यानी कि ये जो जीरो से इतनी ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपका ए प्लस बी है। क्या है? ए प्लस बी है ये, ठीक है। अब ध्यान समझना, ए प्लस वैल्यू ये है, ठीक है, ये थीटा बराबर जीरो, ठीक है। अब देखना जरा, थीटा बराबर जीरो पर हमने ए प्लस बी यहाँ पर मान ली। क्या है ये? ए प्लस बी है। ध्यान समझ लेना, बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कर्व बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये नहीं बना, बाकी तुमने कितना ही अच्छा किया और ये बिगड़ गया तो सारा कुछ बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी ये कहाँ से मिला है? ये आपका मिला है यहाँ वाले पॉइंट से, ठीक है। आप चलो चलो मैं टेबल को यहाँ पर रखे ना, दूसरे पेज पर बनाता हूँ इस कर्व को, ठीक है। एक मिनट, ऐसा समझिएगा आप, देख चलो मैं इस पर बनाता हूँ, ठीक है। ये दे रखा है, तो आपको सबसे पहले इस तरीके से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। थीटा बराबर ये जीरो अंश, और ये थीटा बराबर ये 90, और ये थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 270, ठीक है। ये बन गया, इसको मैं और ऊपर लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। अब देखो यहाँ से समझ में आता रहेगा आपको, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ से देखिएगा, ये वाली जो होगी लाइन ये इस तरीके से, ये थीटा बराबर 45 होगी, और इस तरीके से, और इस तरीके से ये, तो ये 45 45 45 90, और 90 और 45 जोड़ोगे तो ये थीटा बराबर 135 होगी। ये आ गया, ये लाइन इतनी बन जाएगी, उतना ही नीचे, क्योंकि इनिशियल लाइन ये है, इसी के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी जो चीज़ यहाँ पे आएगी वही चीज़ नीचे बन जाएगी, ठीक है ना। ये पूरी पूरी लाइन इनिशियल लाइन कहलाती है। ये जितना ऊपर कर्व बनेगा उतना ही नीचे बनेगा, तो हमें इतने की ज़रूरत है, 0 से 180 अंश, ठीक है। और यदि परपेंडिकुलर लाइन की है तो ये जितना बनेगा उतना ही इधर बनेगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। आप ये देखिएगा, ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, कि ये जो क्वेश्चन में है जी, ये हमने यहाँ तक क्या मान लिया? ए प्लस बी लाइन मान ली यहाँ तक, ठीक है। ये ए प्लस बी, तो इसका क्या बन जाएगा, यानी कि ए प्लस बी कॉमा या जीरो, इस तरीके से निर्देशांक बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कर्व को बनाना। अब इसके बाद में आपका जितनी ये दूरी है, आप ऐसा ये इतनी लीजिए यहाँ तक, ठीक है, ताकि मेरा कर्व इस पर पूरा का पूरा बन जाए। यहाँ तक जितनी ये कर्व की दूरी है, अंडर रूट 3/2, यानी कि इससे थोड़ा सा कम हो गई, अंडर रूट 3/2, यानी कि एक से कम आती है थोड़ी वैल्यू। क्यों? क्योंकि अंडर रूट का जो मान होता है, अंडर रूट का ये होता है आपका कितना होता है, 1.7372 होता है, ये होता है अंडर रूट इसका मान, ठीक है। अब इसमें दो का भाग करेंगे तो एक से कम आएगी कुछ ना कुछ वैल्यू, यानी कुल मिला के बात यह है कि ये कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी। यदि ये इतनी है तो ये कम होके नहीं है, थोड़ी और कम बैठेगी इस तरीके से। और 90 पे ये देखिएगा ए, यानी कि और कम रह गई, यानी ये इस तरीके से आएगी। तो यानी कुल मिला के बात यह है, इस तरीके से कम होती चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे ए मान ले रहा हूँ, और कम हो जाएगी इससे, तो ये कम ही है, ये कम होगी इसी तरीके से, और कम हो जाएगी। अब हमें ये नहीं पता था, इसमें क्वेश्चन में ये कहा था ए इज ग्रेटर देन बी, अब ये नहीं पता कि ए कितनी बड़ी है और बी कितनी छोटी है इससे, तो इसीलिए आप इसको गोल भी बना, कुछ किताबें इस तरीके से गोल बनाती हैं इसको, यानी कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आना चाहिए, ए माइनस बी आना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि कर्व में क्या कहता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी कि आप ऐसा समझिएगा कि ये जो वैल्यू है आपका, ए का मान मैं 5 मानूँ और बी का मान मैं 2 मानूँ, तो ये 7 हो जाएगी, ये 7 यहाँ तक 7 हो जाएगी, ठीक है। और तो 5 - 2 करूँगा तो ये 3, तो यानी ये वाली 3 दिखाई दे रही है इस तरीके से 3। अब ये कितनी कम है ये हमें नहीं पता, यदि ये ऐसा ही तो हो सकता है बी का मान 1 हो, यदि बी का मान 1 है तो ये 6 हो जाएगी, और 5 - 1 यानी कि 4, तो ये और थोड़ी सी और आगे हो जाएगी। और यदि ये जो बी का मान है जो आपका बहुत कम है, तो ये क्या है, और मान लीजिए ये 3 है, 4 होता तो 5 - 4 यानी कि 1 आता, तो 1 और बिल्कुल पास बैठेगा। तो इसीलिए आप इसको इस तरीके से बना लो, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा कर्व आपका, ठीक है, ये, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से ऐसे करके बना सकते हो, क्योंकि पता नहीं है ना आपका कितना काम है, पर हाँ इतना है कि ये 0 से टच नहीं करेगा, 0 तक कितना भी इसको नवा सकते हो आप, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका ये वैल्यू कितनी कम है, तो ये क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, तो आप कितना भी कम कर सकते हो इसको, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसके बाद में यदि आपका कोई भी डाउट है, अब इसमें थोड़ा सा ये खींचना है, एक टेंजेंट बताया था कि एक थीटा बराबर जीरो पर टेंजेंट आया था, थीटा बराबर जीरो पर इस लाइन के समांतर आया था, इस लाइन के समांतर यानी कि इस तरीके से ये टेंजेंट इसके समांतर जाएगा ये, ठीक है। और एक आया था जीरो, यानी कि थीटा बराबर 180 पर, 180 पर क्या आया था ये,
ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये टेंजेंट हो जाएगा। तो इसको ए माइनस बी कॉमा ये आपका जीरो बोला जाएगा, और इसको ये बोला जाएगा ए प्लस कॉमा ये जीरो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके ये बन जाएंगे, इसको पॉइंट में मत लिखिएगा, आप ऐसा ही रहने दीजिए सिंपल सा, ठीक है। आपका ये क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये कर्व आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। आपको और सारे पॉइंट, यानी कि मैंने और पॉइंट 45 पे क्यों नहीं देखा, 45 पे, 30 पे क्यों नहीं देखा, 30 पे भी आप देख सकते हो इस तरीके से। सॉरी, हमने 45 का ये दिए, 30 वाला देखा था, 45 पे भी ये वही चीज़ है, सेम टू सेम, ठीक है। एक बट्टे रूट दो, यानी कि एक से तो कम ही रहेगा, कुल मिला के बात ये है, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी कर्व इस तरीके से बनेगा आपका। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और शेयर करने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब